22 करोड़ लोग को बेदखली के ऑर्डर जो आया था, इसमें हम अचका डाले हैं और अचका डालने हैं। और उसी उम्मीद के 26 नवंबर को जो सुनवाई है, वही उम्मीद कर कर हम लोग आज यहाँ 21 नवंबर को ये रैली करने का आए हैं। ये चेतावनी देने के लिए आए हैं सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को। मेरा लड़ाई कोई लोग से नहीं है, सीधे सरकार के साथ है और सुप्रीम कोर्ट में है। उनको देना होगा वो मानवता जो उस दिन कबूले हैं उल्टा ना, उसको सीधा लान के 26 नवंबर को करना होगा। मेरा नाम जिनित सामंत और मैं लोक मुक्ति संगठन से हूँ। जब एविक्शन ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइम में हम लोग को पूरा खास करके ये बहुत बड़ा धक्का लगा कि यहाँ पर लगभग हम लोग का कुचिंडा सब डिवीज़न में ही 16,000 कुछ लोगों को मतलब नोटिस हुआ, जो लोग की मतलब ज़मीन छोड़ने के लिए उन लोग को बोला जा रहा है। और इसमें हम लोग का कुचिंडा सब डिवीज़न में ही सिर्फ खाली 15,000 लगभग पूरा पूरे आदमी ऐसे हैं जो कि मतलब जंगल ज़मीन के साथ में जुड़ करके अपना जीवन जीविका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को छोड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ दिक्कत यह है कि जो नोटिस तो मतलब पहले आना चाहिए वो बाद में आई। पहले क्या हुआ, जन सुनानी किया गया जबकि कानून का विरोध करता है। सबसे पहले तो उनको नोटिस देना चाहिए कि किस कारण बस वो ज़मीन से बेदखली का मतलब ये हो रहा है। तो वहाँ पर पूरा उल्टी तरीके से काम की गई। मेरा नाम आशा भाई है, बुरहानपुर से आए हैं हम यहाँ आए। हमारी परेशान है, कानून 2006 से कानून लागू हुआ है तो भी फॉरेस्ट वाले कानून हम नहीं जानते तुम्हारे कानून करके मारने लग जाते और रास्ता में भी पकड़ के और मार्केट में भी पकड़ के ले जाते। हमको बहुत परेशान करा रहे, फसल उगाते तो फसल वो काट देते दराती से ले जा ऐसा करके पूरी फसल नष्ट कर देते। फिर हमको हम काई खाएंगे जंगल में, हम आदिवासी दलित संगठन कार्यकर्ता हूँ मैं, तो वो परेशान के लिए हम यहाँ है। ये कमला देवी है मेरा नाम। हम वो 30-35 साल से रहते हैं, हमारे सास ससुर सब वहीं रहते हैं। वही जमीन में खेती लगाई थी, वन विभाग वालों ने सब हमारा खेती रौंच दी और हम बोलने लगे तो कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ के हो करके हमसे उल्टा सुलटा बोलने लगे और हमारे नाम पर 15 औरतों के नाम पर केस कर दिया। और वो जो औरत वहाँ मजबूरी थी उसका भी नाम लिख दिया, उसका छोटा बच्चा था और वो बच्चे के साथ अंदर थी, उसका भी नाम लिख दिया, उसके भी केस लगा दिया उसके ऊपर भी। और हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा ये इंसाफ चाहिए हमको। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कम्प्लीटली नेगेटिव इफ नॉट हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड आदिवासी राइट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द रोल विच द लीगल काउंसिल इज प्लेइंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट डेट्स। ही इज जस्ट नॉट देयर। इवन इन द लास्ट डेट I had personally spoken to the tribal affairs minister, given the earlier experience, said, please make sure he is there. He said, yeah, he'll definitely be there. I've given a letter, etc. But he was not there. He was in the court premises, we heard. But he was not there. And therefore, one of the petitions which was accepted in the absence of the senior counsel of the government is very damaging to our cause. Because they are talking about using all kinds of so-called new technologies of satellite imagery to decide whether there were encroachments after 2005. It is totally misguided and it is totally wrong, because they themselves say that we don't have that kind of expertise, but the court has accepted it. These things have to be opposed. Because step by step they are diluting our rights. But central government lawyers are not there. And that is why we say there is collusion, there is connivance, and not just compromise, there is betrayal. The most important thing to understand about this whole problem is that there is a huge corporate land grab. Land, forests and water is being handed over to corporate interests. According to government records as presented to parliament, over the past five years, about 2 lakh acres of land have been given to industry, to corporate interests, out of which a small percentage is for projects and the rest is for industry. Now, it is absolute hypocrisy. And it is a shameful hypocrisy for wildlife conservationists, so-called the petitioners in the Supreme Court case, to say that Adivasis are the problem, are the problem for the forest. Adivasis are not the problem for the forest. Adivasis are not the problem for our land and water. It is the corporate interests. So this is actually making Adivasis scapegoats.
for forest destruction, whereas the actual destruction is being done by industry. मैं डॉक्टर शेख गुलाम रसूल हूँ, जे एंड के आर टी ए मूवमेंट का चेयरपर्सन हूँ और फॉरेस्ट राइट्स के लिए काम करता हूँ जम्मू कश्मीर में. बेसिकली हमारे वहाँ फॉरेस्ट राइट्स सब मौजूद है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द असेंबली के फ्लोर पे बोला है, वो गलत बोला है. ये सब चीज़ें हमारे पास थी और दफ़ा 370 अगर उनको डिस्टर्बन और हर्डल था, ओबस्टकल था, वो इसमें था कि वो कॉरपोरेट्स को वहाँ फॉरेस्ट एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंस नहीं दे पा रहे थे. तो ये आड़ कोई और नहीं है, बस यही एक आड़ थी कि उनको कॉरपोरेट एंट्री करनी थी. और जो भी आया है 125 क्लियरेंस से उन्होंने इस टर्मोइल के दौरान कॉरपोरेट्स को दे दी है, और जो कि हमारे वहाँ पानी के ऊपर और वहाँ के रिच इकोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा.